प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य के भारत का पुनः निर्माण करने के लिए भारत के नागरिकों में एक नई शक्ति व नई संचार शक्ति जागृत हो रही है। हाल में ही चीन के साथ सीमा विवाद के बाद देश में चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार व स्वदेशी एक विचार के रूप में देखा जा रहा है, जो भारत की संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था का आर्थिक मॉडल रहा है। इसी कड़ी में धर्मनगरी नानकमत्ता के रतनपुर गांव के गोविंद सिंह अन्ना नामक युवा ने ग्रामीण स्वरोजगार व स्वदेशी मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए अपने घर में ही राख्या बनाने का काम शुरू किया है। क्षेत्र में राखियों की मांग को देखते हुए गोविंद सिंह अन्ना अपने परिवार सहित राखियां बना रही हैं। गोविंद सिंह अन्ना का कहना है कि स्थानीय राखियों की बाजार में मांग बढ़ती जा रही है। देश में इतनी बड़ी मात्रा में नौकरियां मिलना आसान नहीं है, इसलिए स्वरोजगार ही समाधान है। स्वरोजगार से मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है। क्षेत्र में राखियों की इतनी मांग बढ़ रही है, मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ।